दोस्तों ये है माधी मस्जिद जो कि दिल्ली के मेहरौली शहर के आम बाग इलाके में मौजूद है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत सी मस्जिद को और जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ और चल के देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो अंदर आते ही आपको इसका जो मेन गेट के नीचे जो चबूतरा है दोस्तों, उसके नीचे आपको ये एक रूम नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये या तो स्टोर होगा या कोई रूम होगा किसी के रहने के लिए। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चलते हम ऊपर और आप गेट के सामने का नज़ारा देख सकते हैं। जो डिज़ाइन है इसका आप देख सकते हैं, दोनों तरफ दो झरोखे बने हुए और झरोखों में बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन दी गई हैं जो अधिकतर लोधी शासन में बने हुए मकबरे या मस्जिदों में हुआ करता था। तो ये एसआई के अंतर्गत आता है, बट मस्जिद का मेंटेनेंस कुछ इतना अच्छा नहीं है और अभी इसमें नमाज नहीं होती है। और इस तरफ एक कुआं भी है, कुआं देख लेते हैं, काफ़ी ऊंचा है, फिर उसके ऊपर तो हम जा नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस मस्जिद के और भी नज़ारे ऊपर। और ये है इसकी सीढ़ियाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है इसका मेन गेट, मेन दरवाज़ा, कुछ सामने से आपको ऐसा दिखेगा। दोस्तों मैंने एक मोट की मस्जिद का वीडियो बना रखा है जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वो मस्जिद भी लोधी शासन में बनाया गया था और उस मस्जिद का भी गेट इससे मिलता जुलता देखने को मिल जाएगा आपको। सिकंदर लोधी जो थे वो हिंदू माँ के बेटे थे, तो सिकंदर लोधी इसीलिए हिंदू और मुस्लिम सभ्यता को एक साथ ले कर चलते थे और दोनों धर्मों का वो इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने हर मोनूमेंट में ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ा हिंदू मंदिरों में हुआ करता है जो आप डिज़ाइन ये देख रहे हैं। तो चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं थोड़ा एक मस्जिद का नज़ारा क्या है। तो यह है इसका मेन गेट, मेन गुंबद का नज़ारा, जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट पत्थर से बनाया गया है इसको। और ऊपर ये है गुंबद का नज़ारा, गुंबद प्लेन है और इसमें ऊपर जो खिड़की नुमा कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं आप ये देख सकते हैं। और मस्जिद के अंदर आते ही एक बहुत बड़ा आपको चौड़ा सा ये आंगन मिलेगा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। और सामने है खूबसूरत सी ये मस्जिद, देखिए कितना खूबसूरत है। अभी इसका मेंटेनेंस इतना नहीं है क्योंकि अभी अगर ऐसा होता तो आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं वो पपड़ी बन के गिर चुकी है, इसका थोड़ा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है एएसआई के द्वारा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो आता है, बट यहाँ पे मुझे कोई गार्ड या कोई भी दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको अंदर से, हम अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कैसा इसका हालत है, स्थिति है। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है इसका मेन जो गुंबद है, मेन दरवाजा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो मेन किबले का साइड का जो एरिया है वो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ये जो दो साइड में है लेफ्ट और राइट, ये इसके ऊपर छत है लेकिन जो किबले का साइड का एरिया है वो खुला हुआ है। और इमाम के जो बैठने का जगह था वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, इसकी नक्काशी देख सकते हैं जो ऊपर वो नीला पत्थर द्वारा सजाया गया है, और उसके नीचे जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं खिड़की नुमा डिज़ाइन है वो बनाया गया है। और ये जो अपना जहाँ इमाम साहब बैठने की जगह था वो ये डिज़ाइन है, और ये कुछ लिखा गया है यहाँ पे वो मिट गया है, तो इसकी थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है इस मस्जिद को, आप देख सकते हैं ये इधर मस्जिद की हालत। अभी इसमें कुछ नमाजें, कोई भी नमाजें नहीं होती हैं। और ये है ये मस्जिद का अंदर का सीन, आप देख सकते हैं। चलिए उस तरफ देखते हैं जो वो दिख रहा शायद ऊपर जाने का रास्ता है, तो चलिए उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार। और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है माशाल्लाह, लेकिन इस मस्जिद को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार द्वारा, क्योंकि ये हमारा पुराना धरोहर हमारा भारत का धरोहर है, हमारा मोनूमेंट है,
इसमें सरकार द्वारा जैसे आप देख सकते हैं जो पूरा ये सब ढह रहा गिर रहा है, लेकिन अगर इसमें सरकार अगर ध्यान दे दे तो ये खूबसूरत बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बन जाएगी। अभी इसमें नमाज़ें नहीं होती और ये है ऊपर जाने का रास्ता, तो आप ये देख सकते हैं। हम अभी किसी कारोबार से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर खुला खुला है बिल्कुल, ऊपर कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे। और यह है खूबसूरत सी मस्जिद माधी मस्जिद जो लोधी शासन में बनाया गया था, और ये लोधी स्ट्रक्चर का एक बहुत नायाब नमूना है, आप देख सकते हैं। तो इस तरफ भी ये कवर कर लेते हैं, ये भी सेम ऊपर से छत है और ये गुंबद है, इसी गुंबद का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइंस बनाया गया है, ये रोशनी के लिए बनाया गया है, इसमें चिराग या मशाल रखने के लिए। और ये इस मस्जिद के नीचे का सीन है जो मेहराबे बने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेहराबे हैं, और इस तरफ भी है, और मस्जिद के जो चारों तरफ ये एक बुर्ज सा बना हुआ है। और ये है मस्जिद के साइड का एरिया, इस तरफ भी मेहराबे बने हुए हैं। मस्जिद के बैक साइड में ये जो आप देख सकते हैं अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होगा, इसको बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल। और मस्जिद के बैक साइड का मैं एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, मस्जिद के दोनों तरफ ऐसा एक दो मीनारें दी गई हैं, और किबले का साइड का एरिया भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये है किबले का साइड का एरिया, इधर भी दो मीनारें दी गई हैं। इस मस्जिद का निर्माण लोधी शासन में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा कराया गया था ये अभी तक इतिहास के पन्नों में जाहिर नहीं हुआ है। लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद आए सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हरा दिया था, तब से दिल्ली में मुगलों का शासन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये था इस खूबसूरत सी मस्जिद का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।